बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डेरा गाजी खान कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नेम इज द सेल। टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी, एंड दिस टॉपिक इज लोकेटेड ऑन टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 46 to 47। अब हम देखते हैं कि सेल क्या है, सेल की हिस्ट्री या डिस्कवरी में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से साइंटिस्ट इंक्लूडेड हैं, या कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से जो वर्क था सेल का उसको इंट्रोड्यूस कराया या उसमें कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले जब हम सेल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी, हमारी का मतलब ये कि इस वर्ल्ड में जितने भी जानदार हैं उन सब की बॉडी सेल से बनी हुई होती है। उनका स्ट्रक्चर सेल्स बनाते हैं और उनके जो सारे के सारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस भी सेल ही परफॉर्म करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया सेल्स के डिफरेंट वर्क्स को, कि सेल जो है वो ये काम कर सकता है, ये काम करता है, इस किस्म का होता है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। उनको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने कंट्रीब्यूट किया था, इवन वी कैन से दैट जिसने सेल की सेल को बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराया था, उसकी डिस्कवरी दी थी, दैट इज़ रॉबर्ट हुक। 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। उसने ये कहा था कि ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडीज थिन सेक्शंस ऑफ कॉक। जो कॉक होता है ना, बिल्कुल डेड प्लांट होता है, उसकी जो छाल होती है जिसको आप छाल कहते हो दरख्त की, उसको उसने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसको क्या नज़र आए, माइन्यूट हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट्स, जैसे हनी बी का छत्ता होता है, बिल्कुल ऐसे उसको बहुत सारे बॉक्सेस नज़र आए, कंपार्टमेंट नज़र आए, और उन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को सेल्स का नेम दिया। तो अकॉर्डिंग टू हुक, सेल इज़ अ एम्प्टी स्पेस बॉन्डेड बाय अ थिक वॉल्स। उसके बाद किसी भी साइंटिस्ट ने सेल को एक्सप्लेन नहीं किया, इवन 19th century तक जो रॉबर्ट हुक था उसी का वर्क ही इंट्रोड्यूस रहा। उसके बाद जाके बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो फर्दर कंट्रीब्यूशन दी। आफ्टर रॉबर्ट हुक जो सबसे सेकंड साइंटिस्ट था वो लॉरेंस ऑकिन था। उसने 1805 में ये बताया कि इस वर्ल्ड में जितने भी जानदार हैं वो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को उसने सेल्स का नाम दिया। उसने सेल्स का तो नहीं कहा था, बट उसने ये कहा इस वर्ल्ड में जितने भी जानदार हैं वो छोटे छोटे वेसिकल लाइक, वेसिकल थैली को आप कहते हो, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। ये किसका आइडिया था, नज़रिया था, सॉरी, लॉरेंस ऑकिन का। इसी तरह से एक और साइंटिस्ट जॉन बैप्टिस्ट डिलेमार्क, इसने 1809 में ये कहा कि इस वर्ल्ड में जितने भी जानदार हैं वो सेलुलर टिश्यू से बने हुए होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस एंड हैविंग सेम ओरिजिन। उसने कहा कि इस वर्ल्ड में जितने भी जानदार होंगे वो लाजमी तौर पे सेल्स के टिश्यू से बने हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेलुलर टिश्यूज। इसने टिश्यू के बारे में जो है वो डिस्कशन की थी। अनदर साइंटिस्ट, दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है, आपको पता है रॉबर्ट हुक ने ये कहा था कि सेल्स आर एम्प्टी स्पेसेस, बट रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुक के आइडिया को चेंज कर दिया। उसने कहा नो, सेल्स आर नॉट एम्प्टी स्पेसेस, दे हैव न्यूक्लियस इन इट। उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। ड्यू टू दिस डिस्कवरी हुक आइडिया अबाउट द सेल एंड एम्प्टी स्पेसेस वॉज चेंज्ड। वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, दो और साइंटिस्ट जिनका वर्क जो है वो सेम था बट उन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था, वो था थियोडोर शिवान एंड श्लेडन। इन्होंने पेश की थी सेल थ्योरी। एक जर्मन जोलॉजिस्ट था थियोडोर शिवान एंड एक जर्मन बोटैनिस्ट था जिसे हम श्लेडन कहते हैं। उन दोनों का जो वर्क था वो सेल थ्योरी था। सेल थ्योरी की मेजर 3 पॉइंट्स है वो आपने याद रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कि इस वर्ल्ड में जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ये उनका फर्स्ट पॉइंट था उनकी थ्योरी का। दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी न्यू सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, मतलब न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ या फिर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। तीसरा पॉइंट उनका ये था कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 3 पॉइंट्स इन्होंने बताए थे अपनी थ्योरी के अंदर। पहला पॉइंट, इस वर्ल्ड में जितने भी जानदार हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरा पॉइंट,
जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं, मतलब जो न्यू सेल आते हैं वो पहले से मौजूद शुदा सेल्स से बने हुए होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये कि जो सेल्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ का, ये इनकी थ्योरी के पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वन दैट इज जो साइंटिस्ट है वो है रॉडलफ विर्चू। रॉडलफ विर्चू ने 1885 में ये कहा था कि जो न्यू सेल्स बनते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं, जो लिविंग सेल्स होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई भी सेल्स खुद ही से जो है उसका ओरिजिन हो जाए, हमेशा से जो भी सेल बनता है वो पहले से मौजूद शुदा सेल से बनता है। तो इसको जो इसने एक पॉइंट पेश किया था उसको कहते हैं ओमिनी सेलुला ए सेलुला, मतलब न्यू सेल्स इज फॉर्म फ्रॉम लोअर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग। पास्टर ने 1862 में सेम आइडिया को प्रोसीड किया जो कि विर्चू का था, सेल थ्योरी का सेकेंड पॉइंट था। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म चेंज था, उसने कहा जो न्यू बैक्टीरिया होते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से बनते हैं, बैक्टीरिया भी सेल से बने हुए होते हैं। तो उसने क्या कहा, जैसे सिंपली इतना कहा कि न्यू बैक्टीरियाज आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बैक्टीरियाज। अकॉर्डिंग टू लुईस पाश्चर कोई भी लाइफ खुद ही से ही जनरेट नहीं होती, खुद ही से एग्जिस्ट नहीं करती, रिप्रोड्यूस नहीं करती, वो पहले से मौजूद शुदा सेल से बनी हुई होती है। नेक्स्ट साइंटिस्ट अगस्त वाइसमैन, जो अगस्त वाइसमैन था 1880 में, उसने ये बताया कि ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन। उनका ओरिजिन क्या होता है, कॉमन। यहाँ पर इस साइंटिस्ट ने ओरिजिन के बारे में बताया, बिकॉज दे हैव अ बेसिक सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स एट्सेट्रा। उसने कहा कि सेल्स की सिमिलैरिटीज जो है वो सेम होती है, दैट्स वाई उनका जो ओरिजिन होता है वो भी कॉमन होता है। मतलब पहले सिंगल सेल होता है, उससे बहुत सारे सेल्स बनते हैं। ये आइडिया किसका था, अगस्त वाइसमैन का। होप सो आपको आज का जो लेक्चर था एमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल्स ये समझ आ गया होगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।